हाय सर क्या हाल चाल है पीयूष बढ़िया सर दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं आज हमारे सामने जो अगली सेलिब्रिटी है वो है पियूश. <laughs> पियूश ने आई थिंक 78, 78, 78. के सिंगला एंड केशव सिंगला दो नाम है यहाँ पे वन इज एटी सेवन इज सेवेंटी स्कोर किया मैथामेटिक्स में और ओवरऑल क्या रहा पीयूष अपना थ्री हंड्रेड एंड नाइन गजब बहुत ही बहुत ही बढ़िया पियूष मैं मेरे sir. मन में सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जो कि अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करें लेकिन सबसे पहले तो बता क्या माहौल है पे पे अभी घर सोसाइटी में क्या माहौल आपका पूरी इंटर फाइनल सब तैयार है इंटर के लिए जी सर अभी टीचर्स तो मैंने सिलेक्ट कर लिए है बहुत ही बढ़िया पीयूष मैं आ, सबसे पहले कुछ चीजें पूछ रहा हूँ जो अपने जो स्टूडेंट्स है जो मे ट्वेंटी में बैठेंगे ठीक है उनके लिए बेनिफिशियल रहे क्योंकि उनके मन में मिथ रहता है वो मिथ को कैसे कैसे हटा सकते हैं वो मोटिव है और इसके अलावा कुछ भी इनपुट्स जो आपको लगता है जरूर देना जो अपने स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो पहले तो अपन पीयूष में जो स्टडी मैट है स्टडी मैट को लेकर फिर से पूछता हूँ क्या आपने स्टडी मैट जैसे मेरा एक बुक आया था आपके पास एक माइंड मैप बुक आया था आपने उस उसपे पूरा करके गए थे कि इसके अलावा आपने कुछ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए थे कहीं और बुक्स वक्स पकड़ ली थी कुछ और नहीं सर जो आपका स्टडी मैट था वही सफिशेंट था क्योंकि जैसे आपने भी बताया था कि जो आई का मैट होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली डिफरेंशियट नहीं किए होते कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब आपकी जो बुक थी उसमें भी आपने जैसे सभी क्वेश्चन को सही तरह से डिफ्रेंशिएट किया था कि आप जब रिजल्ट का प्रिपरेशन का टाइम होगा तो आप ये वाले क्वेश्चन ही कर सकते हो तो सर उसमें बहुत हेल्प मिली और जैसे स्टार्टिंग में ही अगर हम मार्किंग करके चलते हैं भी ये वाले क्वेश्चन है वो तो रिजल्ट के टाइम पे करने करने हैं जब आप प्रिपरेशन करते होंगे तो तो उसमें भी काफी हेल्प हुई तो मैंने आपका ही मॉड्यूल अकेला फॉलो किया था मतलब ऐसा कि पीयूष ने एक अच्छा पॉइंट कहा कि जब हम पढ़ रहे हैं हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले मार्किंग करते हैं कि हम ये ये करेंगे लेकिन जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सेकंड टाइम पढ़ रहे हो रिविजन करो तभी मार्किंग कर लो उन क्वेश्चंस को जो हमें एग्जाम टाइम पर देख के जाने हैं

थ्री एंड हाफ मंथ तक कंप्लीट कर लिए थे और जो आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते थे एडिशनल जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते थे या कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह होती थी वो जब भी आता था मैंने जैसे अपना जो रिविज़न का प्लान था वो तो मैंने ऐसे ही रखा जो सेम ही था और जब भी आपके कोई भी लेक्चर के या कोई भी चैप्टर की कोई रिकॉर्डिंग आती तो जो मेरा शेड्यूल कट होता था कि मैंने इस चैप्टर को इस डेट पे करना है और वो डेट पे मैं मार्किंग कर लेता था कि ये वाला चैप्टर भी मैंने इस आह, जब मैं रिवीजन करूंगा तो ये भी मैंने साथ में करना है तो वो मैंने इस हिसाब से किया था उसका मतलब क्रक्स ये है कि आपने लेक्चर्स को खत्म किया और जो एडिशनल आ रहा है उसको प्रोकास्टिनेट नहीं किया कल पे कुछ नहीं डाला जैसे है देख लिया जी। कर लिया अपनी कई बार हम होता है हम ऐसा करते हैं कल कर लूंगा एग्जाम के आखिरी महीने में कर लूंगा दस दिन पहले हम कल कल पे डालते जाते हैं डिसिप्लिन लाते ही नहीं लाइफ में आपने अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं किया पूरे तीन महीने में तो ये मुझे याद भी है पीयूष मुझे दस पीयूष ने दस कॉल की होंगे तो मैंने छह या सात कॉल तो लिया होंगे पीयूष के दो बार डाटा होंगे क्या फालतू तो डाउट पूछ रहा है और तीन बार मैंने जनवरी से डाउट ले लिए होंगे जी सर और दो क्वेश्चन दो, दो, दो डाउट फोन इग्नोर हो भी गए होंगे क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं इतने ले पर इग्नोर हो जाते थे कुछ फोन बट मुझे एंड के टाइम पे ये भी ठीक था कि जो आपने जो ऐप का भी किया था उसमें भी कॉलिंग वगैरह आ जाती थी तो वो भी अच्छा था हाँ डाउट हमने इस बार तो हमने सिस्टम को बहुत अच्छा कर लिया बहुत ही अच्छा कर लिया पिछली बार वो पायलट प्रोजेक्ट था और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे कि मैं हर एक अटेंशन देना चाहता था पर दे ही नहीं पा रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग पीयूष उनमें से एक है जो फोन कर रहा था मेरे फोन उठाना पड़ता था, था मेरे को पीयूष हो गया गौरव हो गया बिहार वाला देन रोहन हो गया ये ऐसे स्टूडेंट्स है फोन कर करके कर कर के तो अब होता क्या था कि कुछ बच्चों का तो पूरा एंटरटेन हो गया जो पीछे पड़ गए और जो बेचारा पीछे नहीं पड़ पा रहा था वो इग्नोर हो रहा था तो हम डाउट सिस्टम बनाने के बाद ये बहुत अच्छी हुई थी कि हमने डाउट्स लेना शुरू किया वीडियो से अब और इंप्रूव कर लिया हमने उस पोर्टल को तो डेफिनेटली डाउट्स और हेजल फ्री हो जाएंगे हमारे इस साल और अपना जो अपन ने जो शॉर्टकट्स क्रिएट किए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया बड़े-बड़े क्वेश्चंस -बड़े जो हर चैप्टर में थे शॉर्टकट्स क्रिएट किया आपने 78 मार्क्स सिक्योर किया तो आपने पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया सर पेपर मैंने क्या होगा 80 टू 85 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था मैंने

और जो हमारा ये तो मेरे ही बेनिफिट हुआ कि उसमें सर ने हमें राइटिंग का भी टाइम दे दिया उसमें हाँ। तो सर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन होता है जैसे वो तो अकेले कैलकुलेटर के वाले होते हैं तो मैंने मैं साथ के साथ ही मैंने वो कैलकुलेटर पे बस सॉल्व करके उसमें साइड पे टिक लगा दी कि ये वाले तो आंसर होंगे हाँ। जब भी आंसर शीट मिली तो वो सर मैंने फिल कर दिए और हाँ। जो मेरा जो पेपर का करने का पैटर्न था उसमें जो पहले सबसे एक सभी क्वेश्चन जैसे एक एक मार्क के होते हैं तो जो क्वेश्चन मुझे आते भी थे और जो बहुत ही कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन थे वो तो मैंने पहले सॉल्व कर दिए और जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है या मुझे कम आता है उस पर मैंने साइड पे थोड़ी थोड़ी मार्किंग कर, करता गया कि वो बिल्कुल एंड पे अटैम्प्ट करूंगा ऐसे मैंने जो मेरे पासिंग परसेंटेज जब मैंने वो तक अटेन कर ली उसके बाद जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन

स्टेज में आ ही जाओगे आप, है ना? जी okay. जैसे शॉर्टकट की बात हो गई लेक्चर जब एग्जाम प्रेशर आ रहा था एग्जाम प्रेशर आ रहा है वो दो घंटे एग्जाम के मैनेज करना आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को एग्जाम के पंद्रह बीस दिन पहले रिविजन मतलब रिविजन कैसे प्लान किया था आपने अपना ऐसे तो जैसे आपने वो शेयर किया था कि जो पहले थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं जो मेन मैथ होता है उसका तो मैंने पहले से रिवीजन शुरू कर दी थी जैसे एक महीने पहले ही रिवीजन शुरू कर दी थी जिसमें जो मेन मैथ है वो मेरे पे हां जिसमें से जो मेन मैथ है वो तो मैंने पहले सॉल्व किया था और जो स्टैटिस्टिक्स वाला होता है वो मैंने एनपी किया था जब रिवीजन ही कर रहा था मैं एंड पे जो टेस्ट वगैरह थे जो आपने भी शेयर किए थे वो भी मैंने सॉल्व कर लिए और अगर आप बताऊँ ये तो जैसे मेरे टाइमिंग की मिसमेनेजमेंट हुई कि जो आर टी वगैरह थे वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया एंड के टाइम पे तक आके और सर इसमें जो स्टडीस का था जैसे मैंने वो एंड पे रिवाइज़ किया उसमें जो थोड़े थ्योरी सब्जेक्ट्स होते थे उसका भी मुझे हुआ कि हाँ अब मुझे वो एंड तक याद रहेंगे क्योंकि मैंने वो बिल्कुल एंड पे किए थे तो ये एक ये प्लस पॉइंट हो गया

वैसे भी उसको रिटेन करना है आखिरी में डालो एग्जाम के कम टाइम पहले पढ़ो आखिरी तक याद रहती है अभी पढ़ोगे फिर भूलोगे फिर पढ़ोगे टाइम वेस्ट है एग्जाम टाइम में पढ़ो याद रहेगी मेरा भी हमेशा यही कहना है दूसरी चीज उन्होंने कही जो पहले मार्किंग करके रखा पूरा ये मत सोचो कि दस दिन पहले पूरे पढ़ लूंगा आपने जो एल डी आर मार्क की है मार्किंग की उस मार्किंग वाले क्वेश्चन को करो और क्या नाम है अपने स्टैट्स की थ्योरी को लास्ट में पुश कर दो और स्टैट्स को कभी भी रिविजन किया जाता है उसको करने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि वैसे कर लो

मतलब चार साढ़े चार तक पढ़ते थे रात को सुबह फिर दस बजे फिर उठा फिर पढ़ने बैठ गए देखो मैं भी कहता हूँ प्रॉब्लम नहीं है यदि आपकी प्रोडक्टिविटी निकल रही है रात को बैठ करके तो पढ़ो रात को अभी एक बच्चा है अभी उनका रिजल्ट नेगेटिव आया तो पेरेंट्स ने बताया कि रात को आठ बजे बैठता है और सुबह पढ़ता है सुबह तक पढ़ता है आठ बजे तक पर इतने इतना लंबा ड्यूरेशन लेट नाइट प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही तो जबरदस्ती रात को पढ़ूंगा रात को पढ़ूंगा मत करो आप करेक्ट प्रोडक्टिविटी निकल रही तो बैठो नहीं निकल रही तो सुबह उठे जल्दी बैठो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के फैमिली में प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि सुबह नहीं बनता माहौल नहीं बनता हल्ला गुल्ला बहुत रहता है तो लेट नाइट पढ़ लिया बढ़िया है और सोशल मीडिया से क्या क्या छुटकारा पाया कि लगे थे इंस्टाग्राम फेसबुक को भी चलाया पूरा यस सर वो तो सर है ही था बट ये <laughs> मेरा बेनिफिट है जैसे ना कोई चीज होती है कि बच्चे जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से और मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे भी जो भी है

बच्चे का फोन आ रहा है बिहार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो भाई ये, ये आपके साथ भी था, अपने फेस किया, इसको हैंडल किया कि सर, था ही नहीं तो क्या टेंशन फेज वन की फेस सर, था ही नहीं। अरे माता नहीं देखेंगे वीडियो को बता दे भाई नहीं, नहीं सर ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे नहीं थी अरे मैं तो कहता हूँ जैसे अभी मैं देख रहा था यदि गर्लफ्रेंड है भी उस टाइम परेशान करे तो जो बोल रही है मान लो टाइम बचेगा तुम्हारा है ना चलो ठीक है यार पीयूष बहुत बढ़िया लगा यार बात करके मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेन अगेन और ऑल द बेस्ट पीयूष ने जो पॉइंट लिखे मुझे बहुत अच्छा लगे जैसे थियरी को पुश करने वाला पॉइंट सोशल मीडिया में उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो कर लो दूसरी बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी जैसे आपने एक ही स्टडी मैट फॉलो किया जो मैंने प्रोवाइड किया था आप बुक्स को शिफ्ट मत करो उस बुक्स पर मैंने आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पूरे सेग्रीगेट कर दिए हुए हर चैप्टर के दिए हुए अलग अलग बुक जाने से होता है कि हम एग्जाम टाइम रिवाइज ही नहीं कर पाते अच्छा पीयूष ऐसा होता है कि हम एक ही स्टडी मैट को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता रहता है कि अगले पेज में क्या आने वाला है करेक्ट हम जब सेकंड से, राउंड पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है क्या आने वाला है जी सर सर तो उसका भी बेनिफिट है जो आपकी बुक थी मैंने कम से कम दो बार तो मैंने करी ली होगी जो फुल फ्लेज फुल होती है okay. पहली बात तो जैसे सारी समझो क्लास में चलती है में और सेकंड टाइम जो मैंने इम्पोर्टेंट सम को मार्क किया हुआ है वो वाले करता होता था बहुत ही बढ़िया मतलब आप एक ही बुक को फॉलो करिए स्ट्रिक्ट रहिए प्लान पे डिसिप्लिन रखिए रिजल्ट 78 आया है इनका आपके सामने एग्जांपल है नंबर अच्छे आएंगे थैंक यू पीयूष थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर और आपको किसी thank भी लेवल पे कोई भी गाइडेंस चाहिए कभी मैं एम ऑलवेज अवेलेबल ठीक है थैंक यू सर थैंक यू पीयूष बहुत अच्छा लगा मालिक बाय मालिक बाय पीयूष थैंक यू पीयूष थैंक यू